हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आपने पिछले ब्लॉग में देखा है कि हम लोग रत्नागिरी गए थे, और रत्नागिरी में रत्नादुर्ग फोर्ट और उसके बाद थीबा पॉइंट और क्या क्या घूमे, मतलब लाइट हाउस वगैरह, तो ये सब कुछ घूम चुके थे। और हम लोग आ गए अभी विजय दुर्ग में, और विजय दुर्ग में आज के दिन स्टे करेंगे, मतलब रात भर स्टे करेंगे, और उसके बाद हम लोग दूसरे दिन निकलेंगे विजय दुर्ग फोर्ट जाने के लिए। तो ये हमारा होटल है जिसमें हम रात भर स्टे करने वाले हैं, और होटल बहुत अच्छा था, मतलब रूम वगैरह, सर्विस वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी थी। अगर आपको यहाँ पर रुकना है तो इस होटल में आ सकते हो। मैंने नाम तो दिखा दिया है आगे कि कौन सा होटल है, और रिजनेबल रेट में था, बहुत अच्छा था और रिजनेबल रेट में था। आई थिंक 1200 या 1500 ही वन रूम चार्जेस थे, तो इसी वजह से ज़्यादा कुछ ये नहीं था, मतलब कॉस्टली नहीं था, बट बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विस और रूम्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आगे आपको दिखा देती हूँ रूम वगैरह कैसी है। और ऐसे हर जगह पे नहीं मिले थे यहाँ पे हमें, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पे मतलब जैसे कि हाउस टाइप के वो नहीं थे, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले के व्लॉग में दिखाए थे उस टाइप के मिले थे, बट दो ही बार हमें अच्छे होटल मिले हैं जैसे कि इस टाइप के, तो वो अभी और इससे पहले एक मिला था, तो वो मैं आपको दिखा नहीं पाई थी। तो ये देखिए आप, होटल वगैरह, रूम वगैरह अच्छी है, ओयो होटल है, तो ओयो का तो अच्छा ही होगा, मतलब सर्विस वगैरह बहुत अच्छी थी और सब कुछ अच्छा था, तो इसी वजह से ऐसे होटल सब जगह मिलने चाहिए थे बट नहीं मिले, क्योंकि वहाँ पर सब लोग वो हाउस ही रेंट पे देते हैं, तो इसीलिए ऐसे होटल हमें नहीं मिले। हम लोग चाहते थे कि ऐसे होटल्स हमें मिले और हम लोग ऐसे होटल्स में स्टे करें, बट नहीं हो पाया वहाँ पर। जहाँ पर हो पाया पॉसिबल वहाँ पर हम लोगों ने किया, और यहाँ पर आप देख सकते हो सब कुछ लेके आ गए। हम लोग इतने ज़्यादा थके हुए थे कि बस सोने का मन कर रहा था, बस इसके बाद सो ही गए। सब लोग रेडी हो चुके हैं, और रेडी होने के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया। अभी नीचे जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। तो चलिए देख लीजिए, सब लोग निकल चुके हैं अभी। चलो मैं अभी बेली पहन लेती हूँ अपनी और निकलती हूँ। रूम अभी खाली हो गया है। चलो क्या ना वर्ती इकडे हो ना। हे गाइस, आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छे और यूजफुल प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके बच्चे बहुत ज्यादा छोटे हैं, मतलब सुसु पॉटी करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं आज शेयर करने वाली हूँ आपके साथ मामा अर्थ के डायपर पैंट्स। ये जो पैंट्स है, डायपर पैंट, तो वो प्लांट बेस्ड डायपर पैंट्स है, और इसमें आपको कॉटन सॉफ्ट इनर लाइनर मिल जाएगा, और उसके साथ हाइपोलोजेनिक है ये, और बेबीज के सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, और ये आपके बेबीज को 12 आवर तक लीकेज प्रोटेक्शन देता है, और ये विथ 2x एब्जॉर्प्शन है, तो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है ये, मतलब आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा लीकेज का वगैरह। तो आप साइज इसका जो है वो अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर कर सकते हो। इसमें आपको 40 डायपर्स मिल जाते हैं, और प्राइस भी इसकी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड डायपर है, तो बहुत अच्छे है आपके बेबीज के स्किन के लिए। और हाँ, 0% लैटेक्स, 0% लोशन, और फ्रेग्रेंस भी 0% है इसमें, और क्लोरीन ब्लीचिंग भी 0% है इसमें। इसका डेमो मैं आपको बाद में दिखा दूंगी कि एब्जॉर्प्शन किस तरह से इसका, और इसको आप अपने बच्चे के साइज के अकॉर्डिंग ऑर्डर कर सकते हो। जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी के लिए आप 3 to 5 kg का ऑर्डर कर सकते हो, स्मॉल है 5 to 6 kg का, और उसके बाद मीडियम है 7 to 12 kg का, और उसके बाद है लार्ज 9 to 14 kg का, और एक्स्ट्रा लार्ज है 14 to 17 kg का।
तो इस तरह से आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आपको इसे मामाअर्थ की वेबसाइट से परचेस करना है तो मामाअर्थ की वेबसाइट पे अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे कंचन 2021 तो आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी मिल जाएगा मामाअर्थ की वेबसाइट पे इस प्रोडक्ट पे। और हाँ, ये जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है मामाअर्थ की वेबसाइट पे, अमेजोन पे एंड फर्स्ट क्राई पे, तो आपको इजीली वहां से ये मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। और मामाअर्थ जो ब्रांड है उसको इंट्रोडक्शन की जरूरत तो है ही नहीं। और हाँ, ये जितना प्लास्टिक यूज करते हैं उससे ज्यादा प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं, मतलब ये प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड भी है। और सबसे अच्छी बात ये है इस ब्रांड की कि ये इंडिया का ब्रांड है, मतलब अभी की सिचुएशन तो आप सभी को पता है कैसी है, तो इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए हमें और इंडियन ब्रांड्स ही यूज करने चाहिए, इसीलिए ये ब्रांड हमें पक्का यूज करना चाहिए। और इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं तो इनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, इसी वजह से बिल्कुल सेफ ब्रांड है ये। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपके बच्चों को कोई हार्म होने वाला है, तो इसी वजह से बिंदास इसे यूज करिए। ये इसमें मैं पानी ऐड करती जा रही हूँ और ये एब्जॉर्ब होते जा रहा है, और कितने फास्ट एब्जॉर्ब हो रहा है आप देख सकते हो। देखो ये पूरा ग्लास आ गया है उसमें पानी का, और बिल्कुल भी इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप देख सकते हो पूरा एब्जॉर्ब हो गया है और कितने फास्ट एब्जॉर्ब हो गया है ये भी आप देख सकते हो। अगर आपको इसे परचेस करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। और मेरा जो कूपन कोड है वो इसे यूज करना मत भूलिएगा, उससे आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिल जाएगा मामाअर्थ की वेबसाइट पे इस प्रोडक्ट पे। और जो कूपन कोड है वो है कंचन 2021। तो गाइज हम लोग आ गए हैं यहाँ पे मालवन बीच पे, और मालवन बीच का नज़ारा दिखाती हूँ आपको। पीछे से पूरे नाव दिख रही है, और यहाँ पर क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, जहाँ पर भी जाएंगे शूट करूँगी आपके लिए और दिखाती हूँ क्या चल रहा है। अरे सध्या वरस ठेवलं ते पाव भाजी असते का आपलं ऑर्डर यायचे ना ग अजून हा द्या उत्तप्पावाले घ्या पटापट मला पण माझा पण आहे अंकल हा हो हो अंकल आणखी
मैम दिस इज ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री टेस्ट इट माही हाउ इज इट हाउ इज इट ताई नाइस द बेकरी इज क्वाइट गुड इकडे लक्ष द्या आतमध्ये किल्ला बघायला तुम्हाला 1.5 तास आहे आता इथून उतरल्यानंतर 1.5 तास फिरायचं आल्यानंतर इथे तिकीट टाकवायचं बोटवाल्यानंतर त्या दुसऱ्या वोटीत तुम्हाला घेऊन तिथे नेऊन सोडणार धक्क्यावर फक्त पांढरं तिकीट आहे ना ते टाकू नका कुठे जाताना पाहिजे इथे पांढरं तिकीट दिलंय ना 90 वालं ते कुठेही टाकू नका लक्षात घ्या दुसरी बोट तुम्हाला नेणार हा दुसरी बोट नेणार तुम्ही किल्ला बघून इथे आला ना की दुसरी बोट तिकीट टाकवायचं धीरे हा कावडा आहे अरे कावडा बारे बार बार कॅमेरा अरे मस्त रे अरे एक नंबर अरे चलो रे 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 मुना मुना बाय ठंडागार ठंडागार ही व्यवस्थित कावळा 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 तुरशी तुरशी ही तुरशी आहे तरी म्हणत आहे ना की बांधू नका रे आम्हाला या लागेल एवढ्या जायचं क्लाइम्बिंग चलो चलो
अधिकचा हात कोणाला लागणार आहे? आणि तो अधिकचा हात घेवा ना. दगड वगैरे आहे? दगड आहे. पाय घसरायचे चान्सेस आहे. पर हम लोग है विजय दुर्ग फोर्ट पे और यहाँ का नज़ारा तो आपने देख ही लिया है कि कितना ज़्यादा सुंदर है. यहाँ पर ना ऐसा निकलने का मन ही नहीं कर रहा था यार. यहाँ से जब हम लोग ऊपर आए ना तो नीचे उतरने का मन ही नहीं कर रहा था. जब हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे ना तब हम लोगों को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था. मतलब हम लोगों ने सोचा यहाँ पर फालतू में आए हैं हम लोग. मतलब इतना ज़्यादा चल के और इतना ज़्यादा ये करके यहाँ पर देखने लायक है ही क्या. तो जब हम लोग ऊपर चढ़े और फिर नज़ारा देखा तो देखने लायक नज़ारा था यार. आप देख सकते हो ऐसा नज़ारा कोकण में ही आपको देखने के लिए मिलेगा. बहुत सुंदर नज़ारा है. फिर नीचे जाना पड़ेगा और नीचे से फिर ये वाला जो है ना ये आने के बाद ये पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा. बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारा है यहाँ का भी. और बहुत सारे फ़ोटोज़ हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक किए, बहुत सारे वीडियोज़ लिए, मतलब क्या बोलते हैं रील्स वगैरह, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह बनाए. बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने इस वाले फोर्ट पे. तो वो आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा इंस्टाग्राम पे. तो इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपके लिए. आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं फोटोज़ और वीडियोज़ यहाँ के. काय पीता है? चांगला है. थारे को क्या चाहिए? ले नींबू शरबत. अरे भाई बाजूला बाजूला रोड मध्ये लग्नाची तारीख गिल्लत चालते. मला साधं सरबत दे, निंबू सरबत. ओके साधं निंबू सरबत. ते काय आहे? नाही मला नाही पाहिजे ते. नाही ते साधं दे. नाही घे सरबत. सरबत छान दिस. ते कितीला आहे? ते कितीला आहे?
माझ्या डोक्यात मोठं बसतो अगं मोठं पाहिजे ना स्पेशालिटी दाखवायची आहे तर मारावडे काय झालं गुडगाव थांबणार नाही डायरेक्ट अकोला आहे थांबणार नाही डायरेक्ट गेवराई चालली ते गेवराई गेवराई पुढे तिकीट कोणाच आहे किती लोक आहेत तुम्ही चला आताच चला जरा आताच चला एक एक लाईन कम्प्लीट करा चला ती बघा मागे दोन सीट जागा आहे दोन सीट मागे जागा आहे चला अनंत कोटी अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक महाराज अधिराज योगिराज परम ब्रह्म सच्चिदानंद भक्त प्रतिपालक शेगाव निवासी सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय जय मन क्षत्रिय कुला एक मिनिट नंतर काहीच होत नाही ना आठ पडिक खाली नको खाली पाचशे तर पहिले होईल